सो गाइस वागीश आ चुकी है और वो अभी मेरे को अपना गांव दिखाएगी, गांव नहीं सॉरी शहर ना, हाँ अपना शहर दिखाएगी और लक रहा तो दो चार अच्छे कपड़े भी खरीद लेंगे अपने लिए शादी के लिए, नहीं तो मैं कर्मा पहन के शादी अटेंड करने के प्लान में हूँ। ऑल राइट मत करो। सो आज विजय भैया हमको रांची दिखाएंगे ना सर? कोई बात नहीं भैया को खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा, खुल जाएंगे वो, अपन है ना पेच कर लेंगे अपन। अब घुस रहे हम लोग प्रॉपर लोकल मार्केट में, कपड़े मिलने तो मेरे को ऐसे ही जगह पे मिलेंगे क्योंकि प्रॉब्लम मेरा ब्रांड का नहीं है, मेरा साइज का है, तो फिर अभी मतलब ऐसे कोने कोने में जाके ढूंढ के निकालना पड़ेगा जैसे मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ और एक रिलिक ढूंढ रहा हूँ। सो गाइज वी आर हियर एट वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल्स ऑफ रांची, न्यूक्लियस मॉल, जो रांची के एकदम न्यूक्लियस पे स्थित है। यहाँ पे तो 100% अपनी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। ये देखो भैया यार इधर एक फोटो खिंचवाए क्या भाई? मेरा एक फोटो खिंचवा। सो गाइस आज देखो इधर उधर भटकने वटकने जितना टाइम नहीं है, सो सीधा मुद्दे पे चलते हो। आयशा कौन सा दुकान है जहाँ पे मिलेगा? शॉपर स्टॉप में। ओह नहीं मैं बोल रहा हूँ शॉपर स्टॉप। आज देखो लड़की आगे चले जा रही, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। तो अपन सुपर स्टॉप चलते हैं और मिलते हैं बीरक के बाद। और वागीशा मुझे रांची में देखकर कैसा लग रहा है? ब्लशिंग है गाइस। काउंटर तो मिल गया, मरून येलो, बस अभी तंबू काट के बनाया हुआ साइज का जो मिलता है देखते हैं पहले। हाँ तो भैया कोशिश कर रहे हैं वैसे। 46 ये 46 है, क्या बात है। ओ ये सही है यार, मैं पहन लूँगा। सो गाइस ये तीन चीज़ें देखिए, तो ऐसा है कि शरीर से काफ़ी सटके है बट ये सबसे बड़ा साइज़ है तो अब बस यही है। बैग में पावर बैंक रखने की सज़ा ये है कि थोड़ा टाइट पहनो। इससे तेज शॉपिंग लाइफ में ना किसी ने करी होगी ना किसी ने देखी होगी। 5 मिनट हुआ, हो गया। ऐशा तुम कर पाओगी इतना फास्ट शॉपिंग? मैंने ही किया है। मेरा कोई श्रेय नहीं है इसमें, मैं बस था यहाँ पे, आई वॉज अ लिविंग मैनिक्विन। भैया जल्दी तो 5 मिनट के अंदर हो गया बट पता भी नहीं चला 7,500 का शॉपिंग हुआ भाई, और ये इसी शादी के लिए मेरा तीसरा शॉपिंग है तो सोच लो। अब चलो ये गम भुलाने के लिए थोड़ा खा पी लेते हैं। भैया इधर के ऑटो देखो, ये ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मस्त है। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ यार, बहुत ब्यूटीफुल है ये। क्या बोलते हो उडुपी में लगाओ क्या 10 रुपये पर राइड? चलोगे मतलब चलोगे? भैया ये इलेक्ट्रिक है ना? हाँ। ये कितना टाइम लगा था चार्ज के लिए? ये 5 बैटरी का गाड़ी है। 5 बैटरी का, 9 से 10 hours चार्जिंग होने में। और पूरा दिन चल जाता है एक पूरे चार्ज में? 100 किलोमीटर। कितना लगता है सर इसका? ये अभी तो नया 2 लाख पड़ा है। 2 लाख पड़ा डाउन पेमेंट। बहुत सुंदर है यार, और आपने अच्छा कलर लिया है, थैंक यू सर। आपका नाम? एम डी एजाज। थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन, शुक्रिया सर। शुक्रिया। मंगलोर मैंगलोर चलेंगे। नमस्कार वीक्षकरे, ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ರಾಂಚಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಲ್ಲಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನ. ನಮಗೆ ರಾಂಚಿದು ಎಲ್ಲ ಊರನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ವಿಜಯ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ದೇಖ ಸಹಿತ ದ ಒನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಆಟೋಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಹಮಾರೆ ಯಹಾಂ ಪೆ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ ತೋ ಯು ಹಾಯರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಆಟೋ ಫಾರ್ ಅ ರೈಡ್,
यहाँ पे ऐसा है कि मतलब दीज आर लाइक लोकल बसेस, ठीक है, जितने सीट्स खाली है उतने भरते जाएंगे. यू माइट नॉट बी अ पार्ट ऑफ द एंटायर ग्रुप हु इज ट्रैवलिंग अलोंग इन द ऑटो, बट इंडिविजुअल सीट्स आर हायर्ड फॉर द ट्रैवल, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि अब तीन स्पेस खाली छोड़ के बुकिंग द एंटायर ऑटो, व्हाट डज इट, हाउ मच डज इट मेक सेंस. एंड दूसरा ये है कि इंडिविजुअल सवारी का कॉस्ट भी कम पड़ेगा, क्योंकि यू आर गोइंग ऑन अ शेयरिंग बेसिस, विच इज़ अ गुड कॉन्सेप्ट. यहाँ मैंने पूरे कर्नाटक में नहीं देखा, इनफैक्ट बैंगलोर जैसे बड़े सिटीज में भी जहाँ पे कार पुलिंग वार पुलिंग की बात होती है वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट नहीं देखा है. सो गवर्नमेंट प्लीज थिंक, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ कि डायरेक्ट सीएम से बात करता, तो सुन लो मेरी बात. हाँ देखो, चलो लोकल मार्केट दिखाते हुए चले. देखो साइकिल के ऊपर साइकिल लदा हुआ है, इधर ही होगा चप्पल दुकान. अच्छा इधर आप बोल रहे हो कि चप्पल घिसते घिसते ढूंढो चप्पल. चलो ताबूत में आखिरी की लगनी बाकी है, तो अभी चप्पल खरीदने जा रहे हैं. ठीक है, तो एक बार चप्पल खरीद के आते हैं. ठीक है, चप्पल खरीदने आए हैं, अभी यहाँ तक गया हुआ है और भाई साहब बोले कि 5-10 मिनट रुको, वो ऐसे चला जाएगा, अंदर तक घुस जाएगा. चला जाएगा सीधा. तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद, बताता हूँ कितना गुस्सा. हो गया हो गया, देखो 10 मिनट हो गया तो पैर पूरा आ गया, सही बैठ गया. रिकॉर्डिंग कैमरा जी सर. ये देखो, ये मेरी बेइज्जती कर रही है, बोल रही है तुम जो पहने हो उससे तो कोई भी बेटर है, बोल रही है. ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं चलता. चलो ठीक है, आई थिंक यू फाइनलाइज्ड ऑन दिस. और इन्होंने बोला है कि ग्रीन, येलो और लाल तीनों में मस्त जाएगा. परफेक्ट परफेक्ट, हम खुद यूज करता है इसीलिए बोला. क्या बात है सर जी, आपका दुकान का नाम बताइए. बाटा, बाटा शो. बाटा शो. और ये एरिया, ये महात्मा गांधी रोड. महात्मा गांधी रोड, बाटा शूज. यस, माय नेम इज रोनी. रोनी. यस, माय नेम इज रोनी. हो गया ना, परफेक्ट. पूरा एड्रेस तुम लोगों को जबानी मिल गया. देख लो रांची आ रहे हो तो 100%. गाइस रांची आया हूँ और ये चीज अभी जो करने वाला दिखाने वाला हूँ ये नहीं देखा तो फिर क्या मतलब है यार. देखो सेलिब्रिटी स्टेटस सब अपनी जगह पे, बट जो बंदा एक सॉलिड, मैं मेरे लिए तो है भाई. तो आई एम राइट आउटसाइड महेंद्र सिंह धोनीज हाउस. तो दिस इज द हाउस. अभी मैंने फ़ोन किया, वो नहीं है. वो बोला मतलब मैं चेन्नई में हूँ, टीम का प्रैक्टिस चल रहा है, एंड ऑल्सो आई वोंट बी एबल टू मीट यू दिस टाइम, बट दैट्स ओके. बट घर तो दिख गया. सो नाइस यार, क्या यार सडन देखने को मिल रहा है. आई एम एंजॉइंग इट. देखो करने को मैं वहाँ पास में जाके भी कर सकता हूँ ब्लॉग, बट क्या मतलब है. तो they are left to themselves, so fine. And it's a very modest locality. देखो वागीश अभी वही बोल रही थी कि ऐसा मतलब एक मैं सेलिब्रिटी हूँ करके धोप के तो सबको दिखाने जैसा कुछ ये बनाया नहीं है. सो विच इज़ अ नाइस थिंग यार, गुड यार, आई एम इम्प्रेस. एक है कि मतलब कभी ना कभी एक दिन ऐसा आएगा कि मतलब आई विल मीट यू पर्सन. यस गाइस, तो हम लोग पहुँचे हैं बैंक्वेट हॉल. अंकल डंडा लेके तैयार है यहाँ पे. नमस्कार. हाँ शुक्रिया, परमिशन मिल गया. ओहो, ओ माय गॉड, इंद्रधनुष के रंग. क्या बात है, क्या बात है. ब्लैंकेट हॉल. बस अभी देख लो कि तैयारी के टाइम पे कैसा लग रहा है. तैयार होने के बाद फिर दिखाऊंगा मैं. होश उड़ जाएंगे, बट वो अगले व्लॉग में. आज का व्लॉग हुआ नहीं है. रुको रुको, अभी है पिक्चर, अभी बाकी है मेरे दोस्त. सो गाइस हॉल यहाँ पे है, तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है. ये देखो, चलो उनसे जाके देख कर आते क्या कर रहे हैं. ओ बाप रे, इधर सारे डेकोरेशन की सामग्री है. हेलो, सही है यार. ओ बाप रे,
सोचो ये सब जब सज जाएगा तो कैसा रहेगा, थोड़ी देर में दिखाता हूँ, स्टे ट्यून्ड। देखो शाम को महफिल यहाँ सजेगी, ठीक है, ऐसे सारे टेबल्स में हम लोग आम लोग बैठेंगे और यहाँ पे शाम के मुख्य अतिथि, ठीक है। चलो बाद में चांस नहीं मिलेगा, अभी रैंप वॉक कर लेते हैं अपन। हाँ ऐसे दिखते रहो, दिख रहा हो ना सही से? हाँ टन टन टन, देखो ऐसे रैंप होके फिर यहाँ से ऐसे ऊपर आऊँगा और क्या पता माइक पकड़ने का चांस मिले तो ये पे माइक पकड़ के मैं थोड़ा एंटरटेन भी करूँगा। सो ये पता नहीं है, ये देखते हैं, लेट्स लीव इट टू द होस्ट्स। एक सेकेंड, सेम हियर सेम हियर। आइए यार देखो स्वामी, आज और कल जो करना है कर लो, उसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। हाउ आर यू, कैसे कैसे आंटी, कैसे आंटी? बड़ी खतरनाक एंट्री हुई जा रही है ना। अरे मैंने बहुत, मैं पूरा रांची में तबाही मचा दिया था। अरे मैंने बहुत, ये मेरे बैग के बारे में बात कर रही है। हाँ रांची एयरपोर्ट सब लोग पहचानते हैं मेरे को पर्सनली। ऑल राइट फ्रेंड्स, मैं वापस जा रहा हूँ रूम, अभी वहाँ पे तैयार व्यार होके रेडी होके फाइनली अभी इवेंट पे पहुँचेंगे, तो विजय भाई हमारे लेकर जाएंगे अपने को, तो यहीं पे ये वाला व्लॉग कंक्लूड करते हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग विल बी द मेहंदी इवेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नागेंद्र नायक नरेटिव्स, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। विजय भाई आपसे, आप भी एक बाय बोल दो। वाह।